गुड मॉर्निंग गाइस, 4 डिग्री टेम्परेचर, बाहर मस्त धूप खिली है। तो ये है हमारे पहाड़ों का भी राज, ठंडी का राज। तो अभी मैं सुबह मंदिर आया हूँ, आज मंगलवार है, हनुमान जी के दर्शन करने। तो भाई जो नहाने के बाद जो ठंड लगती है ना, कसम से सिकुड़ जाता दिल, सिकुड़ जाता शरीर पूरा। तो बस पहुँच चुका हूँ मैं मंदिर, अब थोड़ी देर हम करेंगे तपस्या यहाँ पे बैठ के, पूजा अर्चना, उसके बाद मिलेंगे। आप भी दर्शन कर लो काली माता के। जय माँ काली, जय भगवान। तो गाइस, बिल्कुल नहीं सोचा था ये इतनी कीमती बॉटल है भाई, लाखों की बॉटल है ये। पूछो क्यों? क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्टेट में, मुझे लगता है पूरी कंट्री में तेल की किल्लत हो चुकी है। ट्रक वालों ने वो कर लिया है, स्ट्राइक कर लिया है, जिसके कारण भाई अब कोई भी ट्रक नहीं चल रहा है। और ट्रक नहीं चल रहे हैं तो तेल किस चीज़ से आएगा? और गाड़ी हमारे पास डीजल है या फिर पेट्रोल है। और कल बहुत लंबी लाइनें लगी थी और आज जुगाड़ करके कैसे करके ये लेके आया हूँ पेट्रोल। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी भाई। और इतना मतलब कभी सोचा नहीं था मैं घर के अंदर इसको छुपा कर रखूँगा, क्योंकि बाहर ऐसा रखा और सुबह एक घंटे में गायब हो जाएगा। गाड़ी अभी I-20 मनाली गई है, पापा लेके गए हैं और उन्होंने कहा था कि जुगाड़ करके रखिए आज जैसे भी, क्योंकि कल भी जाना पड़ेगा यार। और बिना तेल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है, अब पता नहीं कब तक चलेगी स्ट्राइक। जब तक चलेगी तब तक कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम करना पड़ेगा। सेम टाइम फेस इन नाना हाउस। तेल है नहीं और तेल फूकने जा रहे हैं, ये देखो। तो अभी जा रहा हूँ मैं अपने बच्चों के पास, क्योंकि भाई दिल है कि मानता नहीं, बच्चे चाहिए। और आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी चमक रही है, बिल्कुल मस्त चमक रही है। बहुत दिनों बाद, महीनों बाद धुलाई है, तो सोचा कि आपको दिखा दूँ यार, वरना सोचोगे कि गंदी रहती है। तो अभी तेल भरवाने भी जा रहा हूँ, अगर जुगाड़ हो जाए कुछ तो सही है। तो चलिए पहले उधर चलते हैं पेट्रोल पंप, शायद मिल जाए थोड़ा सा तेल। तो गाइस, बात ऐसी है कि कानून चेंज हो गया है, जिसके कारण आपकी स्ट्राइक हो गई और आम आदमी को सब तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। बड़े बड़े डंपर भी खड़े हैं, सब खड़े हैं। क्यों? क्योंकि डीजल पेट्रोल है ही नहीं, तो बहुत मुश्किलें हो रही हैं। और ख़ासकर उनको जो टूरिस्ट में, जो टूरिस्ट न्यू ईयर पे आए थे, दूर दूर घूमने गए हैं, तो जाने के लिए भी तेल नहीं कई के, कईयों के पास। होप्स हो क्या होता है भाई, पेट्रोल पंप के बाहर देखो ये बड़े बड़े ट्रक लगा के रखे हैं कि अंदर कोई ना आए। बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो डीजल की बहुत मुश्किल हो रही है। तो रात को शायद कुछ जुगाड़ हो सकता है अपना तेल के लिए, अभी तो नहीं हो पाएगा, बट रात को कहीं सेटिंग चल रही है कि मिल जाएगा तेल। होप सो मिल जाए। मेरे बेटे आज आगी, और कैसा है मेरी जान? कैसे मेरी जान, कैसा है? You missed papa? Yes. Yes. He missed me. कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। हाँ मेरी जान। चल। मामा, पापा आ गया। कहाँ है मामा? कहाँ है? ओ भाई कैसे गच्च हुआ मेरे बेटा, मेरे को देख के बता। हाय मेरे पंपकिन। नहीं ये आपके लिए, दिस इज फॉर यू। यहाँ देखो क्या लाया आपके लिए पापा, आपकी फेवरेट चीज। तू भी लाइए, खिला दिए तूने? मार्केट गए और बंदर ने हमें देख लिया, और ये भी घुस गया गाड़ी में। फिर क्या करना था, फिर हर दुकान में रुक रहा था।
अरे छोड़ यार एक मिनट। हाय मेरे मन्नू, हाय मनस्विन, कैसा है तू यार? तुम दो की ना बहुत ज़्यादा याद आ रही है यार, मतलब जो मेरी बापटा है, ममता नहीं बापटा, तो जो मेरी बापटा है वो जाग जाग के बोल रही है मेरे बच्चे कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, पर जो मेरा धंधे वाला दिमाग है वो बोल रहा है ठीक है भाई रहने दो, थोड़ा काम कर ले तू। अनुमती तू कैसी है? ठीक है, मजे लगे ना तेरे? भाई तेरी सासू बहुत याद कर रही है तेरे को। अच्छा, हाँ बोलो। मेरे को कसम से बहुत ही बुरा लग रहा है, एकदम से चारों चले गए ना बच्चे। अच्छा, फिर तो बुरा लगना ही है। क्यूट क्यूट बच्चे से दूर जाके हाय मेरा बेबी कैसा है शिवम? तू बोल दे तंदर में समोसे भी लाया तेरे लिए। समोसे? तू मिस कर रहा था ना पापा को? पापा, मैं चुप क्यों बैठा था पता है दरवाजे के? मैं इसका रियल वो देखना चाहता था, रिएक्शन। बाद में दोबारा रिएक्शन कराने में ना बड़ा वक्त लग जाता है, तो इसलिए रियल चुपचाप से गया। और ये भी कैसा खुश है देख यार। हाय पापा। बर्ड्स और पिजन। वाह ऐसे घूम रहे पत्ती कबूतर शर 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 करके। हाँ, कर रही आपको, आप कर रहे हो दादी को मिस? चलो ये तुझे भी बड़ी बर्दादी कर रही तेरी मिस। तुम दो के चक्कर से सास को बहू की तक याद लगी आने। कहाँ है मेरी बहू बोला? तूने खाना समोसा? ये देखो भाई, ये भुखड़े लोग टूट पड़े हैं। यार पति इसमें मत कर। किसमें मत? कब किया ये कटोरी? तब क्या हुआ तेरे को? क्या है? मैं पूरा थोड़ा खेल। और उधर से वो गुस्से में देख रहा है पीछे कि भाई मेरे को क्यों नहीं खिलाते। देखो सैंड आ रहा है। हाँ आ रहा है। शुम चप्पल के साथ नहीं? यहाँ देखो भाई टूट पड़े। और अनुभूति ने भी कहा कि दीदी तू कितनी गंदी है ना, अकेले अकेले टूट पड़ी, ऐसा नहीं किसी को पूछ ले। बंदा मेहमान आया इतना दूर से, अपनी पति की कोई आपको पूछना था? अच्छा तेरे पे देना, ले ले तेरे पे फोकस, तेरे पे फोकस। हाँ तो मेरे को पूछना था, पड़ोसी को पूछना था। अच्छा आपको पूछ रहे हैं ना शिवम? हाँ मारते भाई लड़ रहा शिवो हम वो तेरे से। मनस्विन बोल रहा तुझे रुक भैया बड़े होने दे, मैं तंग करूंगा तुझे। भैया तंग नहीं करना। शिवो हम श्री बिका को मिस कर रहा तू? ठीक है बाबू मुशाई फिर चलते हैं। ठीक है अपना ख्याल रखना मेरे लाल। मम्मा तेरा ख्याल नहीं, नहीं जाना चाहता क्या? नहीं नहीं जाऊँ मैं अभी, रुक लिया। नहीं नहीं जाऊँ मैं, नहीं जाऊँ मैं, नहीं। देखिए पकड़ रहा यार मेरे बेटा की, मत जा मेरे पापा, मुझे लेके जा। ठीक है बत्ती सूत्र से पता लगा कि शाड़ा भाई में आगे भैंस नाले के पास तेल मिल रहा है, तो चलते हैं तेल भराते हैं। वैसे भी साइन आ चुका है तेल वाला, इसको बोलते हैं मारा मारी पड़ी हुई। इधर खुशखबरी ये है कि फुल होगी टंकी। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं घर, तेल फुल टंकी करवा दी थी और चांस मिला तो उसको छोड़ नहीं सकते। वैसे मैंने ऐसी खबर भी सुनी कि अब जो तेल के टैंकर हैं चाहे वो डीजल हो पेट्रोल हो, तो वो छोड़ दिए गए हैं हिमाचल के लिए, जिससे कि अब किल्लत कम होगी। अगर ऐसा ही रहता तो शायद बहुत ज़्यादा मुसीबत आती, बट अभी चार दिन का कोटा जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है तेल का, तो कोई टेंशन नहीं होने वाली है। और शिवम और मनस्विन और प्रकृति को भी अलविदा करके आ चुका हूँ। और अभी देखो यार 9 बज चुके हैं और अभी काम कर रहा हूँ ऑफिस में। तो ऐसा होता था ना जब मैं घर में, जब प्रकृति और बच्चे घर में होते हैं तो मैं थोड़ा जल्दी चला जाता हूँ ऊपर उनके पास, क्योंकि तब ऐसा लगता है चलो बच्चों के पास बैठ के मस्त मज़ा आता है। और
बाकी फैमिली तो अभी आई नहीं है, भाई वगैरह भी शॉप से थोड़ा लेट आएंगे, तो मैंने सोचा 9 बजे तक एटलीस्ट मैं भी काम कर लूँ। तो मैं भी फ़ायदा उठा रहा हूँ जब तक प्रकृति उधर है, तो अपने जितने भी यू नो काम होते हैं कुछ होते हैं तो वो कर लूँ यार। तो कल मनाली जाना है मुझे, काम है, और फिर मिलेंगे हम कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड स्टे सेफ।